हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड नेविगेशन बटन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सैमसंग के इस फ़ोन में कैसे नेविगेशन बटन को हाइड कर पाएंगे। ये जो तीन बटन देख रहे हैं आप, इन बटन्स को कैसे हटा पाएंगे होम स्क्रीन से, यहाँ पर स्वाइप गेस्चर सेटिंग कैसे इनेबल कर पाएंगे आप। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर। नेक्स्ट यहाँ से आपको मिल जाता है डिस्प्ले वाला ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है नेविगेशन बार, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से अगर आप बटन जो है राइट से लेफ्ट करना चाहते हैं, बैक बटन इधर करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको स्वाइप गेस्चर लगाना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इधर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ से आप बैक आ जाते हैं, इधर से स्वाइप करेंगे तब भी बैक आते हैं, और यहाँ से स्वाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये खोला मैं, और यहाँ से स्वाइप कर दिया तो डायरेक्टली मैं होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। और रिसेंट टास्क में पहुँचना है तो यहाँ से स्वाइप करके यहाँ तक मिडिल तक लाना है आपको, और यहाँ पर आप रिसेंट टास्क में पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में नेविगेशन बटन हाइड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।